सुखदेव गोस्वामी ने पिछले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के स्मरण के लिए सारी भूमिका तैयार की कि ये स्मरण मात्र से भगवान ने जो जो लीला की वो उद्धव जी किस तरह अपने बचपन से ही लगातार श्री कृष्ण की सेवा करते रहे हैं और उनकी वृद्धावस्था में सेवा की वह प्रवृत्ति कभी शिथिल नहीं हो। जैसे ही उन्हें भगवान के संदेश के विषय में पूछा गया तो उन्हें तुरंत उनके विषय में सब कुछ स्मरण हो आया, यानी कि भगवान की लीलाएं हमें आत्मसात करनी चाहिए या कभी भी कौन से भी स्थिति में कोई भी काल में
तुरंत बाहर निकल आती है, उसे आत्मसात कहते हैं। उद्धव जी सारी लीलाओं का वर्णन करते हैं, संक्षिप्त में करते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें उसमें जानकार देती है। आज के अध्याय में, तीसरे अध्याय में, वृंदावन से बाहर भगवान की लीला है, उसके बारे में उद्धव जी बताते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज अध्याय तीसरा, दसवां स्कंद का, तीसरा स्कंद का और सर्वप्रथम श्लोक है। उद्धव उवाच, उद्धव उवाच, ततः ततः स आगत्य आगत्य पूरं पूरं स्वपित्रो स्वपित्रो चिकीर्षया चिकीर्षया शम शम बलदेव संयुतः बलदेव संयुतः निपात्य निपात्य तुंगा तुंगा रिपुयुथनाथम रिपुयुथनाथम हतम हतम व्यकर्षित व्यकर्षित व्यसुं व्यसुं ओजसा ओजसा उर्व्या उर्व्या। उद्धव उवाच, उद्धव उवाच, ततः स आगत्यं पुरं स्वपित्रोः चिकीर्षया सं बलदेव संयुतः निपात्य तुंगाद्रिपुयुथनाथम् हतं व्यकरोत् सुमो अजौ सर्व्याम्। उद्धव उवाच, ततः स आगत्य पुरं स्वपित्रोः चिकीर्षया शं बलदेव संयुतः निपात्य तुंगाद्रिपुयुथनाथम् हतं व्यकर्षत्यव्यसुमौ अजौ सर्व्याम्। उद्धव उवाच, ततः स आगत्य पुरं स्वपित्रो चिकीर्षया शं बलदेव संयुतः निपात्य तुंगाद्रिपुयुथनाथम् हतं व्यकरत्सद्द्रव्यसुमोजश्रव्याम्। संयुता पाच तुंगा पुरोधनाय पाच तुंगा।
उद्धव वाच, श्री उद्धव ने कहा, ततः तत्पश्चात सह भगवान आगत्य आकर पूरम मथुरा नगरी में स्वपित्र हो अपने माता पिता की चिकित्सया चाहते हुए क्षम कुशलता बलदेव संयुत बलदेव के साथ निपात्य नीचे खींच कर तुंगात सिंहासन से रिपुरथनाथम जनता के शत्रुओं के मुखिया को हतम मार डाला, व्यकर्षत खींचा, व्यसुम मृत ओजसा बल से उर्व्याम पृथ्वी पर। अनुवाद तात्पर्य श्री श्रीमद्देशी भक्तिवेदान स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा। श्री उद्धव ने कहा, तत्पश्चात भगवान कृष्ण श्री बलदेव के साथ मथुरा नगरी आए और अपने माता पिता को प्रसन्न करने के लिए जनता के शत्रु के अगुआ कंस को उसके सिंहासन से खींचकर अत्यंत बलपूर्वक भूमि पर घसीटते हुए मार डाला। यहाँ पर कंस की मृत्यु का संक्षिप्त वर्णन हुआ है, क्योंकि ऐसी लीलाएं दशम स्कंद में स्पष्टता से और विस्तार से वर्णित है। भगवान ने 16 वर्ष के आयु में ही अपने माता पिता का योग्य पुत्र सिद्ध किया। दोनों भाई कृष्ण तथा बलराम वृंदावन से मथुरा गए और उन्होंने अपने मामा कंस का वध किया, जिसने उनके माता पिता वसुदेव तथा देवकी को अत्यधिक कष्ट दे रखा था। कंस एक विराट दैत्य था और वसुदेव इवन देवकी ने कभी सोचा भी नहीं था कि कृष्ण तथा बलराम बलदेव इतने बड़े तथा बलवान शत्रु को संहार कर सकेंगे। जब दोनों भाइयों ने सिंहासन रूढ़ कंस पर आक्रमण किया तो उनके माता पिता डर गए कि अब कंस को हमारे इन पुत्रों को मार डालने का अवसर प्राप्त हो जाएगा, जिन्हें हम इतने दीर्घ काल तक नंद महाराज के घर में छिपा रखा था। अब भगवान के माता पिता संतति के प्रति स्नेहवश अत्यधिक त्रास का अनुभव कर रहे थे और वे मूर्छित हो गए थे। उन्हीं को आश्वस्त करने के लिए ही कृष्ण तथा बलराम ने कंस को मारा और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए ही उसके मृत शरीर को धरती पर घसीटा। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि श्रीहरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पार्श्वतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान अभी मथुरा यानि वृंदावन के बाहर की लीला, ये जो ऐश्वर्य है भगवान का
ये ऐश्वर्य लीला में प्रेम की ज्यादा आपले नहीं होती, क्योंकि वृंदावन के बाहर है, वहां शौर्य विभत्स इत्यादि अनेक रस प्राप्त कराएंगे, जहां जिसकी जैसी भावना है उसी प्रकार प्रेम का तो संगीत ही दिया जाता है। जब भगवान मथुरा में प्रवेश है तो उस समय वहाँ राजा की पुत्रियों रानियों या बहुत सारा परिवार था, वो सभी भगवान को प्रेम की दृष्टि से निहार रहे थे छत पे खड़ी होकर। हाँ, लेकिन यहाँ दूसरा रस प्राप्त होता है। भगवान ने उन लोगों की समस्त नजर की है, ज्यादा कोई प्रेम का व्यवहार नहीं किया है। तो प्रेम का व्यवहार अत्यंत निकट का और गुह्य होता है, उसका प्रदर्शन सामान्य लोग नहीं कर सकते। जो भगवान के साथ बहुत गहराई से जुड़ा हुआ होता है वही कर सकते। और यहाँ विभत्स रस और शौर्य दोनों प्रकट होते हैं। तो उद्धव जी कहते हैं कि भगवान बलदेव के मथुरा में आकर उन्होंने सर्वप्रथम कार्य स्वपित्रो चिकित्सया के अपने माता पिता को चाहते हुए, यानी कि अभी इनका प्रेम अपने माता पिता पर जा रहा है, उनकी चाहना, उनकी सुरक्षा के लिए, उनका परित्राण करने के लिए, छुड़वाने के लिए। हाँ, लेकिन इन माता पिता के हृदय में क्या भाव पैदा हुए हैं वो बताते हैं, क्योंकि अभी तक उन्होंने घबराहट में बहुत भय वाली स्थिति में ही उन्होंने जीवन बिताया है। भगवान 16 साल का हो गया, 16 साल के बता रहे हैं यहाँ प्रभुपाद जी ने लिखा है। तो 16 साल के तो बहुत नौजवान होते हैं, नव यौवनम 16 साल का कहलाता है, उससे ज्यादा बढ़ते नहीं। लेकिन भगवान की ये जो लीला है अति कोमल लीला, लेकिन कोमलता में घबराहट जब मिक्स होती है तो विभत्स रस पैदा होता है। माता पिता की भावना अपने बेटों की सुरक्षा के लिए है, और उनका जो प्रति भाव है कि हम घबराहट में जी रहे हैं और अवश्य कंस इतना दुष्ट है जिन्होंने के देवकी ने सोचा ही नहीं कि मेरा भैया ऐसा हो सकता है, और सिर्फ हमें नहीं त्रास दे रहा है, सारी दुनिया को त्रास दे रहा है, ऐसा निकम्मा हो गया। तो ये भय के मारे, डर के मारे माता पिता अपने बेटों की अपनी बंधन स्थिति में भी सुरक्षा की भावना करते हैं, खुद बंधे हैं, खुद छुड़वा नहीं सकते हैं, और अत्याचार ही सहन किया है। तो ऐसे माता पिता की भावना अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए चली नहीं जाती है, खुद का नहीं सोचती, अपने बेटों की सुरक्षा सोचती। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये सोच कर ही जब दोनों भाइयों ने कंस पर आक्रमण किया तो वो तो मूर्छित हो गए यही भाव में, मूर्छित हो गए, अपने को नहीं संभाल पाए।
तो ये कोई अज्ञान अवस्था से तो मूर्छित नहीं हुए, पर फिर भी अपने प्रिय वो उन्होंने कहा कि ये कंस के अत्याचार से बचने के लिए ही तो हमने ये नंद महाराज के घर उनको रखा था, हाँ? और यहाँ भगवान कृष्ण और बलराम दोनों आए हैं और लड़ने लगे, हाँ? और इतने कोमल और इतना क्रुद्ध राक्षस जैसा भैया है, हाँ? तो अवश्य माता भी कर तो पहली फिक्र वही रहती है, लेकिन इनकी घबराहट की तीव्रता भी देखें कि ये मूर्छित हो जाते हैं, हाँ? बहुत घबराहट होती है तो मूर्छित हो जाते हैं, ये तो प्रेम के वश घबराहट है, वो कल्पना नहीं कर सकते कि इन दो बच्चों का क्या होगा। माँ बाप के हृदय में तो बच्चे बच्चे ही होते हैं, सही ना? तो ये घास्टली यानी कि बहुत विभस्त रस है। तो उद्धव जी संक्षिप्त में कह देते हैं कि भगवान ने इनका प्रतिसाद कैसे दिया, माँ बाप के ये भाव है। तो कंस को मार कर उसके मृत शरीर को घिसट करके ले आए, हाँ? और लोगों का उत्साह वर्धन के देखो ये मारा है उनको, मामा तो मामा लेकिन मारा सही, हाँ? वहां राक्षस यदि होते हैं तो ये संबंधों की परवाह नहीं करते हैं। तो एक तरफ क्या वसुदेव और देव की सामान्य तरह से जो शरीर की व्यवस्था के लिए ही सोचते हैं अपने बच्चों के, क्या ये ऐसी घटना है कि भौतिक बुद्धि से समझ पाएंगे? अति मानवीय पराक्रम भगवान करके बताते हैं, हाँ? वो लोगों का उत्साह वर्धन करने के लिए, हाँ? लोगों का उत्साह वर्धन करने के लिए अति मानवीय कार्य करते हैं। तो कंस को मारने के लिए जो जो उन्होंने शौर्य पराक्रम इत्यादि बताया, लेकिन माँ बाप का प्रेम उससे ज्यादा गहरा होता है, पराक्रम से प्रेम ज्यादा गहरा होता है। वो पराक्रम नहीं देखना चाहते थे इसलिए मूर्छित हो गए, वो पराक्रम नहीं देखना चाहते थे। कैसे मरा वो शायद इनको पता है, लेकिन लोगों के उत्साह के वर्धन के लिए, और ये कंस मामा मर गया है, हाँ, तो उसके शव को घिसट के ले आए। तो भगवान का ये अति मानवीय बल या पराक्रम एक छोटे बच्चे के रूप में कैसे देखा जाए? ये तो 16 साल के बच्चे हैं, इनको कैसे है? लेकिन ये अति मानवीय पराक्रम तो जब छोटे थे घुटनिया भी नहीं करते थे, उससे पहले शक्टासुर को मारा, पुतना को मारा, वो अति मानवीय नहीं तो क्या? तो कोई भी स्थिति में भगवान अपनी भगवत्ता तो नहीं छोड़ते, चाहे छोटे या हो थोड़े बड़े हुए हो, तो क्या फर्क पड़ा? तो जहां तक जीवन के साथ भगवान का संबंध है, किसी के भी जीवन के साथ भगवान का संबंध है,
तो उनके विरुद्ध कोई भी ज्यादा जी नहीं सकता। जीव तो इनका अंश है। कहां तक दूसरे जीवों को परेशान कर सकता है? एक जीव दूसरे जीव को परेशान नहीं कर सकता, कहां तक करेगा, मर्यादा आ जाती। कठोपनिषद में कहा कि नित्यो नित्यानाम चेतनाश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामा। सभी नित्य जीव तो नित्य होते हैं सभी। कंस भी तो नित्य था, नित्य जीव है। लेकिन सारे नित्यों में भी मुख्य नित्य तो भगवान ही है और एक ही मात्र सभी की इच्छाओं पूर्ण करते हैं। भगवान ने अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए कंस को नहीं मारा, अपने पिता माता की भी इच्छा पूर्ण करने के लिए नहीं मारा है। भगवान मारते हैं जिनको कि वो अपने जीवन का दुरुपयोग करता है, इसलिए उसकी स्मृति में जो भगवान की याद होनी चाहिए वो नहीं आती। ये तो अवश्य मरता ही है, कोई कालक्रम से मरता है, कोई भगवान के एजेंटों द्वारा मरता है, कोई कभी कभी भगवान स्वयं मारने के लिए आते हैं। वो साधुओं का परित्राण के लिए और दुष्टों का विनाश के लिए बारंबार आते ही है। और वो आते हैं तो उनकी जो आध्यात्मिक स्थिति है भगवान की वो तो बन ही रहती है। भगवान की आध्यात्मिक स्थिति को विशुद्ध सत्व की बताई है। जीव विशुद्ध सत्व में आ सकता है। विशुद्ध सत्व की स्थिति में जीव आ सकता है, लेकिन उसे कम से कम भौतिक अवस्था में सत्व गुण का उपयोग करके पर सत्व यानी कि आत्मा का जो स्वभाव है उनके माध्यम से विशुद्ध सत्व को समझने की कोशिश करनी चाहिए। ये ब्रह्मा जी ने मार्ग बताया है। माया ही यस्य जगदंड सतानि सूते त्रैगुण्य तद विषय वेदता है माना सत्वावलंबी पर सत्वम विशुद्ध सत्वम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान को भजना है तो असली पराभक्ति में तो विशुद्ध सत्व का ही परिचय होना चाहिए, चाहे कोई भी लीला हो। तो हर एक जीव अपने अपने प्रतिभाव से भगवान के साथ ऐसा व्यवहार फिर से बना सकता है। वो किस तरह भगवान को किस भाव में वो अपने भाव के साथ जुड़ सकता है, इसीलिए जब विशुद्ध स्थिति आने से पहले मुक्ति की अवस्था जो निष्ठा द्वारा प्राप्त होती है इनको ग्रहण करना चाहिए। जब तक निष्ठा नहीं है तब तक रुचि नहीं आएगी, आसक्ति नहीं बढ़ेगी। तो आसक्ति के भाव ही बाद में भाव होता है और प्रेम आता है जो राग अनुगा भक्ति में आता है। तो ये जो सारी लीलाएं हमारी समक्ष तो कोई भौतिक भाव से ही हो रही है ऐसा दिखाई देता है, लेकिन उसको समझने के लिए हमें आध्यात्मिक भाव बनाना चाहिए तो परम सत्य का परिचय हो सकता है। भगवान ने ये जोगवाएं दी है, सत्वावलंबी पर सत्वम। ब्रह्मा जी तो रजोगुण के अवतार हैं फिर भी इनको सत्वगुण का अवलंबन करना पड़ता है, तपस्या करके लाते हैं और वो भाव में सात्विक स्थिति में रहते, कभी कभी पलटी भी मारते हैं। एक कल्प में ब्रह्मा जी ने वाक नाम की बेटी पैदा की और उसके प्रति आसक्त हो गए। उसके साथ संभोग करने के लिए इनकी भावना हुई है, वो दौड़े पीछे तो चार कुमारों ने और ऋषि मुनियों ने ठपका दिया,
ए पिताजी क्या कर रहे हो, शर्म नहीं आती? तो देखो ब्रह्मचारी हम मिलते हैं 10:30-11 बजे हैं। तो कहने का मतलब है भाव और प्रतिभाव दोनों, भगवान का जो रेसिप्रोकेशन कहते हैं ना, रेसिप्रोकेशन यानी ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। तो यहाँ भगवान के भाव सामान्य जनता के लिए शौर्य का है, लेकिन अपने पिता का भाव तो कुछ और है। वो बहुत भयावह विभत्स भाव में भयानक होता है, तुरंत आश्चर्य में पड़कर मूर्छित होना, अपने दो बेटों को वहाँ उपस्थित होकर। ये तो संक्षिप्त में बताया उद्धव जी ने, लेकिन 10वें स्कंद में तो पूरे पूरा विवरण है। तो यहाँ सब जगह आप देखोगे तो मुख्य 5 रस दिए हैं। 5 रस से बाहर गौण रस होते हैं, ये सभी के गौण रस में ये सारे आते हैं। तो वृंदावन के बाहर ज़्यादातर गौण रसों का प्रभाव है, मुख्य रसों का प्रभाव तो वृंदावन में ही होता है। ये ख्याल रखना है कि शुद्ध भाव, मिश्रित भाव और मिश्रित भाव में गौण भाव होते हैं। संचारी व्यभिचारी वो भी गौण में आता है, लेकिन वृंदावन में मुख्य भाव प्रधान होते हैं। तो इस तरह भगवान का जो हर एक व्यक्तियों के साथ जो अंदरूनी व्यवहार है वो समझने की आवश्यकता है कि एक साथ साथ में कितने ऐसे जीव तत्व होते हैं जिनके साथ भगवान इनकी भावना के अनुसार व्यवहार करते हैं। तो यहाँ लिखा है कि अपने माता पिता को प्रसन्न करने के लिए और जनता और शत्रुओं के अगुवा कंस को उसके सिंहासन पर खींच कर अत्यंत बलपूर्वक भूमि पर घसीट के हुए मार डाला। तो लेकिन माता पिता तो मूर्छित थे, तो क्या ये गलत भाव के आप ले हैं क्या? माता पिता मूर्छित थे और इनके सामने कंस को घिसट के मारना, उन्होंने तो देखा ही नहीं। हम तो ये समझे कि ये कैसा विरोधाभास है, कोई विरोधाभास है? विरोधाभास होना चाहिए नहीं। उद्धव जी संक्षिप्त में कहते हैं, वस्तुतया माता पिता तो जान पाए हैं कि मेरे दो बेटों ने मामा कंस की हत्या की है, कहां तक मूर्छित रहेंगे वो तो समय का सवाल है। मूर्छित होना और तुरंत अपने बच्चे सुरक्षित हैं वैसे जानने के लिए क्या जागृति नहीं आई होगी? हाँ, इनको उठाकर बताया नहीं होगा कि कंस को मार दिया है? तो ये सारी बातें बारीकाई से हम वहाँ देखें, 10वें स्कंद में देखनी चाहिए। तो ये सारा क्रमानुसार जो जो
भावों के आपले करने के लिए भगवान ने ये सारी लीला की है। तो यहाँ हेतु बताया है कि अपने माता पिता की प्रसन्नता के लिए कंस को घिसेट कर दिया है, लेकिन माता पिता मूर्छित थे तो क्या हमेशा के लिए मूर्छित रहेंगे क्या? क्या इनको बताने वाला कोई नहीं है? भाव में विरोधाभास नहीं, उसमें माता पिता के प्रेम की और इनका इतने बड़े बच्चे अभी तो इनके पास पहुंचे नहीं है तो सर्वप्रथम छुड़ाएंगे, बाद में मिलेंगे। सही, पहले मिल लेते तो क्या आया है ऐसा कि भगवान मथुरा से सीधे अपने माता पिता को मिलने चाहे? अब वो तो जेल में थेड़े, एक कंस को मारे बिना कैसे छुड़वाएंगे? इनको लाया गया है वहां बंदी अवस्था में। कंस ने योजना की थी, बहुत सारे ब्रिजवासी लोग भी थे जो भगवान के साथ आए, खास करके गोपाल को, तो ये तो सारी डिटेल पड़ी है। तो हमें इन सब का जो पजल होती है ना, तो पजल में बच्चे लोग खेलते हैं कि कहाँ कौन सा भाग जाएगा कहाँ कौन, उसी तरह आध्यात्मिकता की दृष्टि में अपने पूर्ववर्ती आचार्यों ने कॉमेंट्री वो पजल को बनाएंगे। तो एक छोटे से वाक्य में संक्षिप्त में भगवान की लीला बता देते हैं, ऐसा उद्धव ने ये श्लोक बताया है। तो उसमें गलती भी क्या, सारा पहले से ही डिटेल में, ये तो स्मरण है, स्मरण में मुख्य मुख्य चीजें आती हैं, डिटेल नहीं आता। जब स्मरण करना है तो ध्यान लगाना और पहले से ही शुरू करना होता है, और फिर से सारी चीजें क्रमानुसार तादृश होती है। पर लेकिन उद्धव जी ने अपने स्मरण में ये बात कहना शुरू कर दिया, क्योंकि विदुर जी संक्षेप में जानना चाहते हैं, वो तो सुखदेव गोस्वामी उनको बारीकाई से बताएंगे, वो सारी पजल वहां दूर होगी। तो इस तरह उद्धव जी वृंदावन से बाहर की भगवान की जो लीलाएं हैं उनकी शुरुआत कर रहे हैं। तो किसी को कोई प्रश्न है? इन आपने जो कहा कि वृंदावन में जो पांच रस है वो मतलब मुख्य रूप से रहते हैं, नहीं गौण रस भी होता है, वृंदावन के बाहर मुख्य नहीं है, वृंदावन के बाहर मुख्य रस नहीं है। जैसे अर्जुन जो थे भगवान के सखा थे तो वो तो ब्रज में नहीं रहते, तो उनका साख्य कैसे मतलब? नहीं, साख्य रस है और साख्य रस के साथ वो अज्ञानता वाला जो भाग है शुरुआत में, जब भगवान ने उसे मोहित कर दिया है तो वहाँ वो साख्य रस थोड़ा पैदा हुआ। जब भगवान का विराट रूप देखा तब उसके हड्डी चमड़ी कंपने लगी, थर थर कांपने लगा कि मैंने ये तो मेरा मित्र है, अचानक क्या हो गया? उसके लिए भी तो ऐसा दिमागी चक्राव में पड़ गया वो, आप कौन है? भगवान को नहीं पहचानता है तो आप कौन है? तो ऐसे ऐसे रसों में उसको धीरे धीरे हटाने की आवश्यकता होती है। तो साख्य रस में मिश्रित रस बहुत सारे आ जाएंगे।
साख्य रस तो वृंदावन में गोप बालकों के साथ का होता है। अर्जुन का साख्य रस अर्जुन सखा तो ये भगवान का प्रतिशाद है, उन्होंने कभी उसकी बदली नहीं की है। अर्जुन का पलटा हो रहा है, मूढ़ता दूर होती है, वो काफी वो भी आर्ग्यूमेंट और प्रश्न करने के बाद ही होती है ना, अर्जुन को मूढ़ता होती है। तो ये हम सबको समझाने के लिए ये बताएं कि ये जीव है, जीव को कैसे भगवान की शरणागति लेनी है, और शरणागति में जो व्यवहार होगा वो मुख्य रसों में होगा। गौण रस में तो जब भगवान आते हैं तब बताते हैं। चलो विष्णु पितामह वसु थे, विष्णु भगवान चतुर्भुज इनके बॉस थे, सही नहीं? और जब द्विभुज कृष्ण को समझते थे कि ये आदि है, फिर भी मरते समय तो उन्होंने चतुर्भुज रूप देखने की भावना की, क्यों? वो इनका रस, शौर्य रस में निजी रस पलट करके सेवक होकर रस आ गया। हाँ, सेवा, कभी मैं जा रहा हूँ आपकी सेवा में, आप मेरे बॉस तो चतुर्भुज रूप बता दीजिए। भगवान चतुर्भुज बता सकते हैं, लेकिन जो भक्त देवकी और वसुदेव जैसे विशुद्ध सत्व में स्थित हैं, वो चतुर्भुज नारायण बन के खड़े हो गए, अरे आपको कहाँ बुलाया था, हमें तो ओरिजिनल बच्चा चाहिए जो द्विभुज वाला है। तो यानी कि वहाँ रसों की हमें भेद पड़ता है, सही ना? वहाँ भेद पड़ा है। तो इस तरह मथुरा यानी कि वृंदावन की बाहर की लीलाओं में ज़्यादातर ये मिश्र रस होंगे, मुख्य रस नहीं, मिश्र रस होंगे। लोग चर्चा करते हैं, ये चर्चा का विषय है कि वैकुंठ में कौन से रस में भगवान की सेवा हो सकती है। झलक तो है थोड़ी सी, दूसरे वात्सल्य रस की भी वैकुंठ में थोड़ी झलक है, वात्सल्य रस की झलक है, बल लेकिन वहां तो कोई बच्चा है ही नहीं, लक्ष्मी और नारायण के बीच में तो कोई बच्चा पैदा होता ही नहीं, कोई शिशु के रूप में तो होता ही नहीं, फिर भी वात्सल्य रस कैसे है? ना, लेकिन वात्सल्य तो वात्सल्य अपनी औलाद पर होता है, अपने निर्दोष बच्चे का पालन करना, उनके रक्षा करना, ये सब वात्सल्य रस में आता है ना, तो वो कर्तव्य वैकुंठ में कहाँ? ये चर्चा का विषय है, क्योंकि आप देखोगे पृथ्वी महाराज जब चले जाते हैं तो इनकी भावना लक्ष्मी नारायण के प्रति, लक्ष्मी जी को माता का भाव बताने के थे, तो ये वात्सल्य रस का की झलक है।
ग्लिम्प्स है कि एक विशुद्ध भक्त जो भगवान का शक्त्यावेश अवतार है वो चले जाने पर वो वात्सल्य भाव की अपेक्षा वैकुंठ में करता है। झलक मिलेगी लेकिन रस छोटी छिटके उड़ती है, इसमें संतोष कैसे होगा? सही, तो ये चर्चा का विषय खड़ा होता कि वैकुंठ में तो शांत भाव से सेवा करने का, तो शांत रस जो सेवा से होता है नौकर की तरह सभी जीव करते हैं। जो जो वैकुंठवासी हुए हैं उनको चार प्रकार की मुक्ति मिलती है, सही ना? लेकिन वो भक्त की इच्छा की पूर्ति वैकुंठ में होती है। जो जो भक्त अपनी इच्छा से भगवान को भजता है वो सारी, तो चार प्रकार की इच्छा, मुझे भगवान के नज़दीक रहना है, मुझे भगवान जैसा ही स्वरूप चाहिए, मुझे भगवान का सारा ऐश्वर्य चाहिए और मैं भगवान के लोक में ही वास करना चाहता हूँ। तो वैकुंठ में चार प्रकार की सारस्ति, सामीप्य, सायुज्य ना सॉरी सारूप्य और सालोक्य, ये चार प्रकार की मुक्ति मिलेगी। ये तो भगवान भक्त की इच्छा पूरी करते हैं। और गोलोक वृंदावन में भक्त भगवान की इच्छा पूरी करता है तो ही जा सकता है, इतना अंतर है। तो जब प्रथम महाराज की इच्छा वैकुंठ जाने की थी तब उनका भाव बताया जाता है कि वात्सल्य भाव, तो वहां कैसे पॉसिबल है? झलक मिलती है और वो भी लक्ष्मी माता की। तो ये चर्चा का विषय बना है और काफी शास्त्रिक कमिटी इत्यादि इन्वॉल्व होकर समाधान पे आई है। तो कहने का मतलब है कि हमें अपने खुद के विचार अपनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान के विषय में इसी तरह आगे बढ़कर, यानी कि पहले सिद्धांत को पकड़ के हमें इन सारी चीज़ों की रगड़ करनी चाहिए जो उस नास में, फिर अपने पूर्ववर्ती आचार्यों की जो कमेंट्री हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जीव गोस्वामी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और भक्ति विनोद ठाकुर, ये चार कमेंट्री का आधार प्रभुपाद कभी वीर राघव स्वामी की भी करते हैं, तो ऐसे पूर्ववर्ती आचार्यों की कमेंट्री हमें लेनी पड़ती है और भगवान की लीला समझने की प्रयत्न करना चाहिए, अन्यथा हम ना समझ रहेंगे। तो ये सारा दृष्टिकोण संक्षिप्त में भी यदि मिलता है तो कोई विरोधाभास तो नहीं पैदा होता, क्योंकि डिटेल में हमें दशम स्कंध में मिलेगा। ये तो स्मरण मात्र है। भगवान कृष्ण का नाम सुनते ही उद्धव जी के मन में भगवान की सारी जो याद थी वो उभर आती है। जब उभर आता है तो गिरता भी है ना, बहुत सारी चीजें अपने हाथ में नहीं आती, इसीलिए तो उसके उभर आना कहते हैं। तो भगवान की स्मृति जब उभर आती है तो हम कितना ग्रहण कर पाएंगे? दूध उभर आता है तो कितना बचा पाएंगे? तो फिर भी ये भगवान की स्मृति बनी रहती है। साक्षात उद्धव जी जब डिटेल में भगवान से भक्ति के बारे में पूछते हैं तो ये सारा भगवान उसके स्पष्ट करते हैं।
तो भक्ति का जो विषय तत्व है, भक्ति एक बड़ा विज्ञान है। भक्ति सिर्फ मनोभाव से टिकती नहीं, बुद्धि द्वारा मार्गदर्शित होनी चाहिए। भाव बाद में पिता होंगे, जब हमारे अनर्थों की निवृत्ति होगी तब हमें रुचि आएगी, निष्ठा आएगी, निष्ठा से रुचि आएगी, रुचि से आसक्ति आएगी और आसक्ति से भाव और प्रेम पैदा होगा। ये बंदरों की तरह हम एक जगह से दूसरी जगह एकदम ठेका नहीं लगाते, गिरने की संभावना रहती है। क्रमानुसार होता है। और कोई प्रश्न? सही, भगवान की लीला कहीं भी अंदर वो सदा चलती रहती है, लेकिन ये लीलाएं भी मुख्य मुख्य लीलाएं हैं, बताई जाती है। वैकुंठ में तो भक्तों की इच्छा के लिए भगवान बुलाते हैं और भगवान की सेवा करते हैं, उसमें दास्य रस मुख्य है, साख्य का अभाव है, वात्सल्य का भी ज्यादातर अभाव है। लेकिन जैसे प्रथम महाराज के प्रसंग में पॉसिबिलिटी बनी है, उसको नकार नहीं सकते हैं। भक्त की भी भावना देखिए, 50% तो भक्त की भावना हो जाए और अदर दूसरे 50% भगवान की भावना हो, दोनों का जब मिलन होता है तब लीला प्रकट होती है। तो गोलोक वृंदावन की जो सारी लीला है देखो, तो क्या वहां कंस भी आएगा? पहला, दूसरा भगवान जेल में यानी कि हो गए वहां, भगवान को उठाकर जमुना पार करके ले जाना पड़ेगा गोलोक वृंदावन में। तो ये सारी लीला है जो वहां राक्षस आते हैं गोलोक वृंदावन में। लेकिन भगवान का नित्य जो सनातन अवस्था वाली लीला है वो चालू रहती है, वो कहीं ना कहीं ये सारी लीला प्रकट होती है। तो वृंदावन गोलोक वृंदावन से बाहर, जैसे ये वृंदावन की लीला के बाहर की लीला है, तो गोलोक वृंदावन के बाहर तो कुछ होता ही नहीं, सारा विश्व उसमें ही समाया है। हाँ, गोलोक धाम निध धाम तले च तस्य देवी महेश हरिदामा श्रुतेषु तेषु ते प्रभव वनिचयाविहिताश्च येन गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। ये सब अलग अलग धाम के लिए ये जो लीलाएं हैं, तो वैसे भौम वृंदावन की लीलाएं हैं। सही, और जो जो आते हैं वो भगवान के निजी परिकर होते हैं, लेकिन ऐसा भाव दिखाते हैं जैसे अति गहरा दुश्मन हो। ये हमें समझाने के लिए है कि भैया हमें घसीट कर भगवान मारे, ऐसा हाल क्यों करे, पहले ही सुधर जाओ। ओ मैं कंस जैसा बनूंगा, मुझे भी घिसट कर भगवान मारेंगे, मेरा उद्धार हो जाएगा। मनुष्य न तो राक्षस है न देवता है, वो नवमी प्रकृति बनाई, लेकिन बेवकूफ है, ये बताया है, मूड है। जो व्यक्ति
अपने सुख की गिनती दुखों के आधार पर करता है तो बेवकूफ नहीं तो कौन? आप सुखी हो? कितने सुखी? तो आप गिनाओगे मुझे ये दुख है, वो दुख है, बाकी तो ठीक है। और दूसरों के साथ हम कंपेयर करते हैं, सरीखाए करते हैं, तो भैया तुझे 10 दुख है, मुझे 5 दुख है, मैं 5 सुखी हूँ। 5 दुख तो है, मैं 5 दुखी हूँ नहीं कहेगा, कि मैं 5 सुखी हूँ कहेगा। दुखों के अभाव को सुख माना जाता है, मानी न बताया, यही तीसरे अध्याय में ये आएगा। मैत्री मुनि विदुर जी को बताते हैं कि अर्वाक् स्त्रोत्र तु नवमं क्षत्तम एको विदो नृणाम रजो अधिक कर्म परा दुखे च सुखमानिनः। नवमी प्रकृति मनुष्य की है, जिसका पेट लटकता है, अर्वाक् स्त्रोत्र, लटके हुए पेट को कभी संतोष नहीं होगा। जब पशु और इत्यादि सब कुछ है, इनका पेट धरती को समांतर है, यानी कि प्रकृति द्वारा ये बताया गया कि वो ज़्यादा नहीं खाएगा, कम भी नहीं खाएगा। आप चावल की बोरी रास्ते पर रख दो, बकरी आएगी, कोई गाय आएगी, चिड़िया आएगी, थोड़ा थोड़ा खा के चली जाएगी, आदमी को भेजो बोरी उठा के चला जाएगा। उसे सारी बोरी उठाते भी उसे संतोष नहीं है, दूसरी बोरी कहाँ है वो ढूंढने लगेगा। तो ये उल्टे पेट की बात है, पेट लटक रहा है। और कर्म परा बताया, यानी कि ज्यादा कर्म की प्रवृत्ति में वो रस लेता है, क्योंकि रजोगुण है ज्यादा। तो दुखे च सुख मानी ना, और दुखों की गिनती पर अपने सुख की कल्पना करता है, लेकिन इस भौतिक दुनिया में सुख है ही कहां? हैप्पीनेस इज ड्रिंकिंग कोको कोला, एडवर्टाइजमेंट आती है, देखो। यानी कि हमें भगवान की लीला समझने में तकलीफ क्यों होती है? क्योंकि अपना अंदाज ही उल्टा है। भगवान के सुख का कारण हमें दुख में मिलता है, और तो कहते हैं कि ये क्या है, उल्टा धंधा है, ये हरि है और ले लेगा मेरा सब, मैं जाऊं क्यों? भगवान के पास जाने की क्या आवश्यकता है? वो जानता है कि ये सारा उसका लूट लेगा, ये जाएगा तो सारा लूट लेगा, वो जानता है, इसलिए नहीं आता। लेकिन उसने दिया, उसका क्या है? उसका कोई स्मृति रही है? अनादि काल से जो तुम्हारा पालन पोषण कर रहा है, मौके पर मौका दे रहा है, 84 लाख योनि में मौका ही तो मिला है। इसलिए हमें ये सोचना चाहिए कि हम सीधे ढंग से भगवान की लीला नहीं समझ सकते, इसलिए पूर्ववर्ती आचार्यों के अनुसार ही हमें ध्यान लगाकर जरा बुद्धि से समझने की कोशिश करनी चाहिए। ये मनुष्य जीवन की सफलता बताई है। और कोई प्रश्न? स्मरण से रिलेटेड प्रश्न था, स्मरण से रिलेटेड। स्मरण? आप कह रहे थे कि आप जो स्मरण कर रहे हैं वो स्मरण है, मतलब उसमें मुख्य मुख्य बातें आती हैं, और
जैसे गौर लीला में हम सुनते हैं नरसिम्हानंद ब्रह्मचारी जब महाप्रभु के लिए मार्ग बना रहे थे तो वो जो मतलब क्रिएशन कर रहे थे उनके स्मरण में वो बहुत डिटेल में था, तो इसको कैसे समझा जाए कि ये स्मरण भगवान की लीला का था वो जो कराई नक्षारा तक मार्ग बनाते हैं महाप्रभु वृंदावन यात्रा के लिए, तो उनका वो कृष्ण लीला का स्मरण है कृष्ण सेवा का और मानस पूजा का। मुझे क्यों पूछते हो? पूर्ववर्ती आचार्य क्या कह रहे हैं? कन्हैया नाटशाला तुम्हें तो गया ही नहीं, महाप्रभु की लीला कृष्ण लीला में तो कोई अंतर नहीं ना, ये तो सिद्धांत है, मानने की आवश्यकता नहीं। हाँ, और दोनों लीला में अंतर नहीं बताया, ये कौन समझाएगा? पूर्ववर्ती आचार्य, हमें तो इतना देखना है कि चैतन्य र संगी संगे नित्य सिद्ध करी माने जे जाए ब्रजेंद्र सुत पास। यदि कृष्ण भगवान वृंदावन के कृष्ण के पास जाना है तो चैतन्य महाप्रभु की लीला और कृष्ण भगवान की वृंदावन की लीला में अंतर नहीं बताया। क्योंकि ये इनके साथ आने वाले नित्य सिद्ध इन लोगों ने चैतन्य महाप्रभु के साथ जैसा व्यवहार किया वो व्यवहार भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ अथवा निजी परिकरों के साथ कैसा किया इनके साथ की बराबरी है। यानी कि हमें इनका सुनना चाहिए वो क्या कहते हैं। सही, तो कोई भी चैतन्य लीला का कोई भी प्रसंग लो, चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात कृष्ण राधा कृष्ण नहीं अन्य, तो वो जो लीला करते हैं तो वो तो वृंदावन की भावना में उन्होंने जो पहले की थी उसका ही स्मरण बना रहेगा। वो तो राधा रानी ने बताया है ना कि आप वहां जाओगे और एक सन्यासी के रूप में होंगे, मैं तो साथ में नहीं, मुझे तो ले ही नहीं जा रहे हैं, लेकिन मेरा भाव तो ले जाओगे। हाँ, तो भगवान ने यह स्वीकारा है। तो एक भक्त में भगवान के प्रति विशुद्ध भाव जो होते हैं वो स्मरण से यदि आते हैं तो उसमें भी कोई भेद नहीं रहता। नहीं तो हम अपनी आंखों से या अपनी भौतिक बुद्धि से इसका इनको समझने जाए तो परछाई दिखाई देगी, वास्तविकता नहीं समझ पाएंगे। तो सिद्धांत बलिया चे विचार ना करिया, हमें तो सिद्धांत पकड़ना है, डिटेल बाद में आएगी। और कोई बस हो गया श्री प्रभुपाद की। एक्चुअली मुझे एक्चुअली महाराज मैं सही तरीके से पूछ नहीं पाया। हाँ, प्रश्न क्या था कि आप कह रहे कि स्मरण में डिटेल नहीं है, ये जो ये मानस पूजा है कि स्मरण है नरसिम्हानंद,
मार्ग बना रहे हैं ना इसमें स्मरण में।